गई है कयामत की रात। मैं हूं नागिन। कुछ कहना है तुमसे, कुछ तो है जो महसूस कर रहा हूँ कुछ दिनों से। नहीं नहीं, तुम अपना वक्त लो। और मैंने ही तो कहा था तुमसे कि ये शादी को निभाने की कोई जबरदस्ती नहीं है। छूंगा नहीं तो मैं गलत होगा, पर अब लगता है कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। मैं वो कुछ मत बोलो। जरूरी नहीं है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तुम भी करो। जरूरी नहीं है कि दोनों को प्यार हो जाए, किसी एक को भी हो सकता है। इनफैक्ट होने लगा है। तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता। वो कहते हैं ना, शादी में सच्चाई होनी चाहिए, इसलिए सच बोल दिया। कभी सोचा नहीं था कि, मतलब जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी से प्यार हो जाए। मैंने बस अपने मन की बात बोल दी। पर तुम अपने मन पे कोई बोझ मत लेना। हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, दोस्त बन के। इसमें अच्छा लग रहा हूं ना? उस दिन शिवजी के मंदिर में योगीराज ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि सदा सुहागन रहो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी तुम्हारा पति है और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। शिवन्या, वो लोग सिर्फ कातिल हैं, खूनी हैं, हत्यारे हैं वो लोग, जिसे तुम अपना पति मानती हो ना। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें उसे भी मानना पड़ जाए। हो सकता है कि तुम्हारा आखिरी इंतकाम उसी से पूरा हो जिसकी तुम पत्नी। ह्रीं क्रीं चामुण्डाय विच्छे नमः। ॐ ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डाय विच्छे नमः। मेरे बास पे प्रहार करके तूने अच्छा नहीं किया। अब तो नहीं बचेगी, नहीं बचेगी तू। जय जय मां काली। अरे तन्वी, थोड़ा सरप्राइज।
तुम्हें तो देर तक सोने की आदत है, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे? जल्दी नहीं आती तो बहुत देर हो जाती। तुमसे ही मिलने आई, शिवान्या के घर गई थी मैं। शिवान्या के घर? सुनो, ये मैं हूं। ये तो शिवान्या है। ये फैमिली फोटो लगती है, शायद ये उसके पेरेंट्स हो सकते। तुम वो सब छोड़ो, तुम फोटो का बैकग्राउंड देखो। तुम्हारी पंचनेर की हवेली जहां हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तुम खुद वहां पहली बार गए थे हमारे एंगेजमेंट के बाद, तो फिर शिवान्या वहां पे क्या कर रही है? अरे कुछ तो कनेक्शन है उसका तुम्हारी हवेली से। तुम्हें कुछ पता है तो बता दो, कौन है ये लड़की, कहां से आई है, अचानक से शादी कर ली और शादी में घर से कोई आया तक नहीं। तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? तुम कहना क्या चाहती हो? उसका कोई भी नहीं, एक इंसान तक नहीं, एक था उसका वो मंगेतर, जानवर था जानवर। और उसका एक घर था जहां मैं गया था, जिसके बारे में तुमने बताया था। मैं ये तस्वीर वहीं से लेकर आई। तस्वीर में यादें होती, और अपनी तस्वीर अपने घर में रखना कोई बुरी बात नहीं। मैंने शिवान्या को किसी से फोन पे बात करते सुना था। जब उसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो वो फोन में कैसे बात कर रही थी? और पता है वो क्या कह रही थी? कि वो इस घर में किसी मकसद से आई है। और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, वो यहाँ से नहीं जाने वाली। अब तुम बताओ ना, किस मकसद से वो आई है यहाँ? अगर ये सवाल हम शिवान्या से करेंगे और वो जो जवाब देगी, हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि वो सच बोल रही है या झूठ? इसलिए मैं ये तस्वीर लेकर आई, ताकि पता कर सकूं कि शिवान्या है कौन। माँ बाबा की तस्वीर तन्वी के पास, अब क्या करूंगी, कैसे वापस लूंगी वो तस्वीर? सच तो ये है कि शिवान्या अब मेरी पत्नी है, और मैं उससे ना ही कोई सवाल करूंगा और ना ही शक। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। और हमारी 10 साल की दोस्ती पर जरा भी नहीं। तुम कुछ तो कनेक्शन है उसका तुम्हारी हवेली से, कोई तो मकसद है जिस वजह से उसने तुमसे शादी की है। वो लड़की कुछ अजीब ही है। Enough, तन्वी। तुमने जो बुरा बर्ताव किया ना शिवान्या के साथ, मुझे लगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने माफी मांगी और मैं तुम्हें माफ भी कर दिया। पर अब मुझे लगता है कि तुम्हारे माफी के पीछे तुम्हारा कोई मकसद था। एक फोटो के बेसिस पर तुम मेरी पत्नी पर शक कर रही हो। वो शिवनेरी के पास के गांव में ही रहती थी, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के साथ उस हवेली में गई हो और फोटो खिंचवाई हो। मेरी पत्नी पर इल्जाम मत लगा। इल्जाम नहीं, सच है। सच नहीं, शक है। और मुझे शक नहीं है शिवन्या पे, पूरा भरोसा है। भरोसा करने वाले धोखा भी खाते हैं। धोखा देने की तुम बात ना ही करो तो बेहतर है। तुम्हें शिवन्या से प्यार हो गया ना? तुम्हारी यही अच्छाई मेरे मकसद की राह में मुश्किलें ला रही है। क्यों इतना चाहते हो मुझे? मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी, मैं आई हूं सिर्फ अपना इंतकाम लेने। वो तस्वीर अंकुश रहे जाने देख ले तो मेरा राज खुल जाएगा। क्या बात है अंकित जी, किस सोच में पड़े हैं आप? सूरी का फोन आया था, उसने अपनी फ्लाइट प्रीपोन कर दी है, आज ही रात को वापस जा रहा है। जाहिर सी बात है, कल रात को जो झगड़ा हुआ उसके बाद यहाँ रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है। वजह है यामिनी जी, वजह है वो नागिन। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है वो उसी नागिन की वजह से हुआ है। वो अब तक हमें मार चुकी होती अगर हमारे पास ये चमत्कारी अंगूठी नहीं होती। नहीं तो देखिए ना, दो दोस्त इतने सालों के बाद मिलते हैं और लड़ बैठते हैं, और शायद यही वो चाहती है कि हम लोग अलग हो जाएं।
मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे सूरी के जाने से पहले इन दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर हमें उस नागिन का मुकाबला करना है तो हम लोग को मिलकर साथ में ही रहना होगा। अरे ऋतिक बेटा, ऑफिस से जल्दी आ गया, कुछ लेना था क्या? नहीं माँ, कुछ लाया हूँ। क्या है दिखा? शिवन्या का सरप्राइज, उसकी माँ बाबा की फोटो बचपन की। अच्छा दिखाओ ना। दिखा ना। हे शिव जी रक्षा करो, अंकुश रहे जा वो तस्वीर देख ना ले।